दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधे के नाम सुनते ही आप समझ चुके होंगे कि ये छूते ही मुरझा जाता है। तो वास्तव में दोस्तों ये पौधा छूते ही ना शर्म के मारे नीचे झुक जाता है, पत्तियां सिकोड़ लेता है बिल्कुल ही। मैं इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाने वाला हूं और आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं इस टाइम चिल्ड्रन पार्क में, चिल्ड्रन पार्क इंडिया गेट के पास में, और इसके अंदर मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा छुई मुई का पौधा। और ये है दोस्तों एंट्री गेट, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ये है गेट नंबर 2। यहाँ पर टोटल 3 गेट हैं, इस तरह से तीनों तरफ हैं, और इनमें होके आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री एंट्री है, लेकिन यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके अंदर एंट्री करने के लिए आपके साथ एक बच्चा ज़रूर होना चाहिए, वो कम से कम 14 साल का हो। चलिए 14 साल से नीचे के बच्चे के साथ आपको एंट्री इसके अंदर फ्री हो जाती है। लेकिन मैं इसके अंदर जाके छुई मुई का पौधा आपके लिए ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी को तोड़ना होगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनानी ज़रूरी है। दोस्तों मैं इसके अंदर एंट्री मार चुका हूं और आप देख सकते हैं बच्चों को खिलाने के लिए क्या क्या यहां पर लगे हुए हैं। यार बच्चे इसके अंदर आते ही ना खुश हो जाते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल यार एक बार यहां पर ज़रूर लेके आइए अपने बच्चों को, और देखिए कितनी मस्ती करते हैं आपके बच्चे यहां पर। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है एंट्री, इसके अंदर होके आप जाएंगे तो यहां पर आपको मछलियाँ देखने को मिलेंगी अंदर जाके। चलिए मैं अभी आपको मछली नहीं दिखाने वाला, सीधा ले चलता हूँ छुई मुई के पेड़ के पास, जो कि छूते ही मुरझा जाता है। चलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर आपके लिए। और यहाँ का नज़ारा आप देख ही सकते हैं दोस्तों, किस तरह का नज़ारा है, पेड़ पौधे, इसीलिए तो यार टॉप नंबर पे आई ये पार्क दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर देखिए एक लाइब्रेरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। इसके अंदर बहुत सारी बुक वगैरह और पता नहीं क्या क्या बच्चों के लिए, आर्टिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे सामान आपको मिल जाएंगे। तो यार बहुत ही अच्छा है ना। तो चलिए दोस्तों मैं अभी छुई मुई के पेड़ के पास आ चुका हूँ, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेड़ हैं वो छुई मुई के पेड़ हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम जो है लाजवंती भी बोला जाता है इसे, और ये छूते ही टच हो जाए, मतलब इसे टच जैसे ही हम करेंगे ना तो ये शर्मा के नीचे मुरझा जाएगी। तो चलिए मैं आपको अभी फॉर एग्जांपल एक पौधे को टच करके दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। चलिए ये वाला पौधा है और मैं इसे हल्का सा टच करूँगा, देखते हैं क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चलिए देखते हैं। वाओ, देखा दोस्तों मैंने जैसे ही इसको टच किया, और ये क्या बात है, क्या बात है यार, अबे यार। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने इस पौधे को टच किया और ये शर्मा के नीचे मुरझाने लगे, इसलिए इनको लाजवंती बोला जाता है। दूसरा नाम शर्मीली है, और इनको छुई मुई का पौधा भी बोला जाता है। आपने रामायण में शायद सुना होगा, तो एक बार लक्ष्मण जी कहते नहीं कि मैं कोई छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाऊँ, तो ये वही छुई मुई के पेड़ हैं जिसकी जिक्र आपको रामायण के अंदर भी मिल जाएगी, क्या बात है। तो देखिए वैसे ये पूरी क्यारी छुई मुई के पेड़ से है, लेकिन देखिए मैंने जितने पौधों को टच किया है वो मुरझा गए हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितने कमाल के पौधे मैंने आपके लिए दिखाए। मैं भी यार इन्हें शायद दूसरी बार देख रहा हूँ, आज से 3 महीने पहले ये पौधा देखा था, तो मेरे मन में आज सवाल आ गया कि मैं एक वीडियो बना दूँ। अगर आपके लिए दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और मैं हूँ दयाल, टी टैक देखते रहो और सीखते रहो।